नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे हिंदुस्तान बायोसाइंस के बारे में। कंपनी का शेयर 4.42 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो कंपनी ने यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न दिया। 4,320% तक का कंपनी ने यहाँ पर रिटर्न दिया। कंपनी ने जब अपना हाई बनाया था, उस समय कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया था। अगर बात करें टोटल रिटर्न की, IPO आने के पश्चात कंपनी ने यहाँ पर 83,900 करोड़ का अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया था, जो कि एक बहुत ज़्यादा रिटर्न है। अगर अब बात करें अभी की कंपनी की, तो कंपनी अभी पिछले कुछ सालों से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे रही है। अगर बात करें पिछले एक सालों की, तो यहाँ पर कंपनी ने 58% तक का रिटर्न दिया। अगर बात करें लास्ट ईयर की, तो पिछले ईयर में कंपनी यहाँ पर 53% का अच्छा रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें कंपनी के फंडामेंटल, शेयर होल्डिंग पैटर्न और कंपनी की बैलेंस शीट, और कंपनी किस प्रकार आने वाले दिनों में अब शेयर होल्डर को अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, और नए इन्वेस्टर जो कि कंपनी में इसमें इन्वेस्ट करने की राय बना सकते हैं, तो शुरू करते हैं कंपनी के फंडामेंटल से। कंपनी का मार्केट के पर अगर अपन देखें, तो यहाँ पर 4 करोड़ का कंपनी का मार्केट का पेस वैल्यू 10 रुपये है, क्योंकि स्टॉक आने वाले दिनों में आपको स्प्लिट होता हुआ देख सकता है। अगर बात करें बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू कंपनी की 1.25, स्टॉक अभी अपनी बुक वैल्यू से 3.5 गुना तक ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें EPS, जो कि कंपनी का माइनस में -1.01, जो एक कंपनी के पक्ष में नेगेटिव न्यूज़ है। अगर मैं बात करें सेक्टर PE की 26.90, अगर बात करें PB की 33.48, तो कंपनी का फंडामेंटल यहाँ ठीक है, क्योंकि कंपनी के EPS में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन कंपनी अपना EPS कंटिन्यूसली सुधार रही है। क्योंकि अपन बात करेंगे बैलेंस शीट में, तो अपन शुरू करते हैं कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट को। अगर बात करें रेवेन्यू की, जहाँ कंपनी का रेवेन्यू 2017 के अंदर 1 करोड़ रुपये था, वो बढ़ता हुआ 2019 के अंदर 3 करोड़ हो गया। कंपनी के पक्ष में अच्छी न्यूज़ है। इसी ड्यूरेशन में कंपनी की शेयर प्राइस में भी आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर बात करें 2020 और 21 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 1 करोड़ है, जो कि कंपनी के बारे में रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कंपनी कंटिन्यूसली उसी रेवेन्यू को मेंटेन कर रही है। अगर बात करें अपन कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 2018 के अंदर यहाँ पर -2 करोड़ दर्ज किया गया था, जिसके कारण आपको यहाँ पर शेयर में अच्छा खासा फॉल देखने को भी मिला था। उसके बाद 2019 और 2020 और 21 के अंदर कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट यहाँ पर 0 दिखाया। अगर बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की, तो क्वार्टरली रिजल्ट के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में कंपनी ने यहाँ पर कोई भी डाटा शो नहीं किया गया है। अगर अपन बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, जहाँ मार्च 2017 के अंदर कंपनी का टोटल रिजर्व -5 करोड़ था, वो बढ़कर मार्च 2021 के अंदर -8 करोड़ हो गया, जो कि कंपनी के पक्ष में एक नेगेटिव खबर है, क्योंकि कंपनी का जो रिजर्व है कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है और माइनस के अंदर कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। अगर अपन बात करें कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, कंपनी के अंदर प्रजेंटली 12.19% यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग है। अगर बात करें पब्लिक की, तो यहाँ पर 87.82% की होल्डिंग पब्लिक की है। पब्लिक की यहाँ की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग्स है। अगर अपन बात करें पिछले कुछ समय से, तो प्रमोटर ने यहाँ पर दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक अपनी होल्डिंग्स को इक्वली रखा है, न उसमें इंक्रीज न डिक्रीज कोई चेंज नहीं हुआ। अगर अपन बात करें सेम पब्लिक के लिए भी यही कंडीशन है, क्योंकि पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग्स में कोई काफ़ी कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, तो होल्डिंग यहाँ पर पिछले कुछ समय से स्टेबल है। कंपनी में आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट, जिसके कारण आपको कंपनी में अपकमिंग व्यू आपको दिखाई देगा, जिसके कारण आप इस शेयर में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और जिसने पहले से इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, वो अपनी लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग भी रख सकता है। थैंक यू दोस्तों, इसमें इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की जरूर सलाह लें। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग।